अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार और बहुत ही यूनिक समोसा स्टिक बनाने का तरीका। तो उसके लिए मैंने चिकन बॉयल ले लिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया है। एक कप मैंने मैदा ले लिया है और एक मैंने आलू लिया है, उसको बॉयल कर लिया है। सबसे पहले हम मैदे की डो तैयार कर लेंगे। तो मैंने एक कप मैदा लिया है, अब इसमें मैं क्या करूंगी, 2 टेबल स्पून मैंने डालना ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैदे में ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब क्या करेंगे, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। ना ज़्यादा हार्ड हो आपकी डो और ना ही ज़्यादा पतली हो। डो हमारी तैयार हो गई है, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल और लगा देंगे। ऑयल लगा कर इसको हाथ की मदद से हमने सारा फैला देना है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, बॉईल किए हुए आलू ले लेंगे। आलू को हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना। आलू को हमने मैश कर दिया, अब इसमें क्या डालेंगे, हम चिकन डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ी सी रेड चिली डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालकर अब आपने क्या करना है, इसमें डालनी है 1 टेबल स्पून मायनीज। हाफ टेबल स्पून आपने इसमें डालना है चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अमेजा हमारा तैयार हो गया हुआ है, तो अब इसको एक साइड पे कर देंगे। अब क्या करेंगे, हमारी डो को 15 मिनट हो गए थे, तो इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे ताकि जो इसके ऊपर हमने ऑयल लगाया हुआ है वो पूरे मैदे की डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर इसका एक पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लिया है, अब हम इसको बेल लेंगे। मैदे की डो को हमने बेल लिया था। बेलने के बाद इस तरह से एक कटोरी लेकर इसको गोल सर्कल में हमने गोल शेप का काट लिया। अब क्या करेंगे, इस तरह से एक आइसक्रीम स्टिक लेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद अब इसमें हम रखेंगे इस तरह से अमेजा सारा, उसको फैला देंगे। फैला कर लगा देना। अब क्या करेंगे, नाइफ की मदद से पहले इसके कट लगाएंगे। कट हमने लगा लिए, अब क्या करेंगे, पहले ऊपर से इसको उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब 1 बाय 1 स्टेप उठाएंगे इस तरह से। स्टेप को क्रॉस की शेप में हमने मैच करते जाना। सारे स्टेप आपने ऐसे बंद कर लेने। ये हमारा बहुत ही यूनिक सा समोसा तैयार होगा, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यूनिक सा हमारा समोसा तैयार हो गया है। ऐसे ही दूसरे समोसे आपने तैयार कर लेने। तो हमारे बहुत ही यूनिक से समोसे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। एक पैन लिया, उसमें ऑयल ऐड किया, ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया। 1 बाय 1 करके हम इसमें समोसे ऐड करेंगे। आपने बिल्कुल लाइट सी आंच पर इनको फ्राई करना है, लाइट गोल्डन से कलर का फ्राई कर लें। इधर देखिए कितने खूबसूरत से कलर के फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इधर हमारा यूनिक सा समोसा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए कितने मज़ेदार सा लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।